नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ सुरभि। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 18 साल की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से अपने ही पिता की हत्या कर दी। यूपी पुलिस ने मामले को सुलझा लिया है और आरोपी बेटी के साथ उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी के कौशाम्बी जिले के सराय अकील इलाके के सिहोरवा गांव में करीब एक सप्ताह पहले 52 साल के तबरेज अहमद की हत्या हुई थी। तबरेज अहमद की हत्या के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी और शुरुआती तफ्तीश में तबरेज की 18 वर्षीय बेटी सौम्या पर शक हुआ था, क्योंकि वह बार बार अपना बयान बदल रही थी। पुलिस ने जब सख्ती से तबरेज की बेटी सौम्या से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड रिहान, जो कि 19 साल का है, उसके साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ ही सौम्या ने बताया कि पिता उसके प्यार में बाधा बन रहे थे, वह इस रिश्ते से खुश नहीं थे। कौशाम्बी के एसएसपी समर बहादुर सिंह ने बताया है कि तबरेज की बेटी सौम्या की इंटर कॉलेज में रिहान से दोस्ती हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद पिता को सौम्या के प्रेम संबंध का पता चल गया और अपनी बेटी के कॉलेज जाने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद दोनों गुपचुप तरीके से मिल रहे थे और फिर नाराज तबरेज अक्सर बेटी की पिटाई करते थे। पुलिस ने बताया कि पिटाई से परेशान सौम्या ने अपने बॉयफ्रेंड रिहान के साथ मिलकर पिता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके बाद रिहान ने 28 दिसंबर की रात को घर में सो रहे तबरेज की गर्दन पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। इसके साथ ही हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और रिहान की खून से सनी जैकेट भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।